कैसे हो दोस्तों, स्वागत है मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो शुरू करते हैं आज फिर से ऑप्शनल क्वेस्ट से, और इस बार मैं सिलेक्ट करूंगा हाई रैंक के सेकंड लास्ट लेवल के ऑप्शनल क्वेस्ट। तो सबसे पहले है टू बी कराची, तो इसको कर लेता हूँ मैं लॉक। सेम कैंप, सेम मैप, और मैं यूज़ करूँगा इस बार चार्ज ब्लेड। आई गेस लास्ट क्वेस्ट मैंने चार्ज ब्लेड से ही फिनिश किया था, जो लास्ट एपिसोड था। तो इस एपिसोड में भी चार्ज ब्लेड से ही शुरू करता हूँ, और जितना टू बी कडाची का साइज़ है उस हिसाब से चार्ज ब्लेड जो है बहुत ही परफेक्ट वेपन होना चाहिए, बहुत ही अच्छा मैचअप होना चाहिए उसके लिए। हालांकि देखा जाए तो टू बी कडाची की रफ्तार बहुत ज़्यादा रहती है, काफ़ी ज़्यादा एजिलिटी रहती है उस पर, तो ब्लॉक करने का जो समय है वो बहुत टाइट रहेगा, जो विंडो है इवेजन का वो बहुत कम रहेगा, लेकिन क्वेस्ट का थ्रिल भी उसी में है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं कर लूँगा मील, और ये मेरे को देगा हेल्थ 50 पॉइंट्स, स्टैमिना 50%, हेल्थ 50 यूनिट्स, स्टैमिना 50 यूनिट्स, और चल लूँगा मैं टोबी कड़ाची की तलाश में। एंशियंट फॉरेस्ट से पहले मैं बहुत बार गुजर चुका हूँ, लेकिन एंशियंट फॉरेस्ट में रास्ता भूलना बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो भी कटाची का फुटप्रिंट मिल चुका है, और ये पकड़ लिया है स्काउट फ्लाइज ने उसका डायरेक्शन, और मैं करता हूँ उसको फॉलो। ये वापस स्काउट फ्लाइज मुझे वहीं लेके जा रहा है जहाँ से मैं आया था, और इसका रीजन में भी यही है कि टोबी कडाची जो है वो एक ऐसे एरिया पे है जो फर्स्ट कैंप से थोड़ा पीछे हो। फर्स्ट कैंप से मेरा मतलब है जिस कैंप से मैं अभी गुजरा हूँ। स्लिंगर एमो मेरे पास ऑलरेडी इक्विप्ड है, और तो भी कड़ाची दिख चुका है। सबसे पहले मैं इसको करूँगा, बहुत ही बुरी टाइमिंग थी एक बार फिर से, और ये हो गया वॉल बैंड, नाइस। अब इसको मैं कर दूंगा टेंडराइज, कर लिया मैंने शील्ड चार्ज। उसके अटैक टाइमिंग पे ही मैंने उसको रिटर्न अटैक दिया, और इसने उसको स्टन कर दिया, नाइस। बहुत लेट हिटबॉक्स पड़ा मुझे, कर लेता हूं मैं खुद को ही, और ये डिस्चार्ज, नाइस। एक और बार ब्लॉक, एक और बार स्टोर, आने दो उसको, ब्लॉक, और ये पूरी टाइमिंग। सेवेज एक्स मोड चालू हो चुका है, और वो मेरे बिल्ली के पीछे पड़ा है। तो भी कड़ाची को नीचे गिरा दिया है, कोशिश करूंगा इसको जितना डैमेज दे सकूं। यार पोजीशनिंग मेरी ठीक नहीं है,
पहला पार्ट ब्रेक आ चुका है एक बार। अरे कैसे, तो यार जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर एनवायरमेंटल हैजार्ड सिर्फ दूसरे जानवर ही नहीं, ये गजल अकाश भी है। तो जब तक ये है मैं अपना हंट शांति से कंप्लीट नहीं कर सकता। पूरी टाइमिंग ब्लॉक ब्लॉक, फिर से पूरी टाइमिंग। तो भी कड़ा चील आगे से निकल रहा है। हील करने के लिए मेरे पास ज्यादा हनी नहीं है और ना ही मेरे पास आई गेस हनी है, लेकिन उस हिसाब से मेरे पोशंस भी खत्म होते जा रहे हैं। और अंजनाथ भी यहां पर पहुंच चुका है। अगर किसी तरीके से मैं अंजनाथ को टोबी तक पहुंचा सकूं तो हो सकता है उनके बीच में टर्फ वॉर शुरू हो, लेकिन जाने देते हैं। कि टर्फ वॉर से ये भी मतलब हो सकता है कि मैं भी उस टर्फ वॉर के बीच में इन्वॉल्व हो जाऊं और पॉसिबिलिटी है कि अंजनाथ मेरे पर भी टूट पड़ेगा। तो पास बुलाता हूं मैं इसको अपने, और को मैं करूंगा वॉल बैंक। नाइस, ये हो चुका है टेंडराइज। जल्दी से मैं कर लेता हूं अपनी बाटलियों को चार्ज। शील्ड भी हो चुकी है चार्ज। और ये एलिमेंटल डिस्चार्ज। टाइमिंग सही थी लेकिन बहुत जल्दी उड़ गया वो, और बहुत ही खतरनाक मूव उसने यूज किया मेरे पे। शार्पनेस खत्म हो चुकी है, टाइम रहते ही मैं जल्दी चार्ज शार्प कर लेता हूं। गलत टाइम पे दहाड़ लिया उसने, और देख सकते हो यार टूबी कड़ाची कमजोर हो चुका है ऑलरेडी। तो इसके सफरिंग को यही खत्म करते हैं। सवारों की इसकी सफरिंग को खत्म करेंगे, जो कि और भी मजेदार तरीका है किसी की सफरिंग खत्म करने का। तो सोच के देखो यार, तुम हंटिंग पे निकले हो, मान लो तुम एक हंटर हो पुराने टाइम के, एंशियंट टाइम के, और तुम हंट करना चाहते हो एक मैमथ, और मैमथ मरने वाला है, लेकिन तुम्हारे मन में आएगी एक आखिरी सवारी ले ली जाए। किस हिसाब का डिसरिस्पेक्ट होगा वो, बट कोई नहीं, That's the fun of the hunt। और टोबी कटाची हो चुका है खत्म। अगर तुम्हें याद होगा जब पहली बार मैं टोबी कटाची से लड़ा था, तो शायद मैं लड़ा था, वैसे पहली बार तो काफी एपिसोड पहले की बात है, शायद वो लॉन्ग सॉर्ड से था, और इतने सारे काउंटर मूव्स होने के बाद भी उस फाइट को अच्छे से परफेक्शन तक मैं नहीं ला पाया था। आई मीन लॉन्ग सोर्ड के होते हुए भी, जो कि बहुत ज़्यादा काउंटर इफेक्टिव वेपन है, लॉन्ग सोर्ड के होते हुए भी उस फाइट में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट आई थी। और अभी चार्ज ब्लेड से ही, जो कि गेम का सबसे मुश्किल वेपन है, उससे टोबी कटाची को ईजिली ख़त्म किया हमने। तो यार मॉन्स्टर हंटर के गेम लूप का जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम तो नहीं बोलूँगा मैं, जो ये जो रिवॉर्ड लूप है, तो सबकॉन्शियसली क्या होता है ना, जब तुम एक मॉन्स्टर से लूट इकट्ठा करने के लिए, या फिर कह सकते हो क्वेस्ट ख़त्म करने के लिए, स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए बार बार लड़ते हो, तो सबकॉन्शियसली तुम मॉन्स्टर का जो मूव सेट है या फिर उसके जितने भी अटैक पैटर्न्स है वो तुम मेमोराइज करते जाते हो। और सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग टाइम, सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग टाइम तब आता है जब तुम
एक फाइट को पूरी तरीके से मास्टर कर लो, जैसे ये टोबी कडाची का एग्जांपल था। तो नेक्स्ट क्वेस्ट पे चलते हैं। इसका नाम है इट कैन सी यू इफ यू डोंट मूव। अगर तुम्हें याद होगा तो ये जुरासिक पार्क का मीम है और मॉन्स्टर का नाम है एंजनाथ, जो कि डेफिनेटली टीरेक्स है। तो इस क्वेस्ट को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, कर लेता हूँ मैं इक्विपमेंट चेंज। इस बार मैं यूज करूंगा लॉन्ग सॉर्ड। तो चलो निकल लेते हैं इस क्वेस्ट के लिए। एक बार फिर से हमेशा की तरह पहले मैं कर लूंगा मील और अभी इकट्ठा करूंगा मॉन्स्टर के पैरों के निशान। लेकिन यहां पर जैसे कि तुम देख सकते हो मुझे थोड़े से ब्लू पैटर्न्स मिल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ना कुछ नया मॉन्स्टर या फिर कुछ ना कुछ नई प्रजाति यहां पर आई हुई हो, तो उसको भी थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये तो पैराटोड था, इसको इग्नोर करो। बहुत ही अधेड़ से निशान है ये। और ब्लू निशान, तो यार देख सकते हो इन निशानों का जो पैटर्न है वो बहुत ही सर्कुलर है, या फिर कह सकते हो क्या कहते हैं, ऐसा है कि डायनासोर ने पंजों को बहुत ही, या फिर मॉन्स्टर ने पंजों को बहुत ही एग्रेसिवली सर्कुलर तरीके से खरोचा है ज़मीन पे, या फिर कह सकते हो जैसे बिल्लियाँ ज़मीन पे बैठते टाइम जैसे राउंड लगाते हैं। और ये मॉन्स्टर लगता है मेरे जस्ट ऊपर से गया, तो मैं उसको फॉलो करूंगा यहां से। वो नर्व एक्टिवेशन मूवमेंट था जब मैंने उस मॉन्स्टर का शैडो देखा, अगर तुमने नोटिस किया तो। बट अगर नहीं किया यार, वीडियो चल रही है, तुम चाहे तो वीडियो को थोड़ा मतलब बैक करके देख सकते हो। और क्योंकि वो इस दिशा में गया है तो होपफुली उसको यहीं कहीं लैंड करना तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं तो एंशिएंट फॉरेस्ट के थोड़ा और अंदर घुसकर मैं देखूंगा। क्योंकि अंजनाथ तो मिल जाएगा यार, लेकिन ये दूसरा मॉन्स्टर बिल्कुल कुछ ना कुछ नया है और मैं देखना चाहूँगा इसमें नया क्या है। थोड़े और ब्लू फुटप्रिंट्स मिल जाए तो और अच्छी बात है। बट फॉर सम रीजन जैसे ही मॉन्स्टर की शैडो दिखी, गेम मुझे ज्यादा और फुटप्रिंट्स देना नहीं चाहता। ना मुझे याद था ब्लू फुटप्रिंट्स मिलना मुझे दूसरी तरफ से शुरू हुए थे, तो उसी तरफ से मैं कंटिन्यू करूँगा जहाँ से पहला मैप था, या फिर कह सकते हो जहाँ से मेरा पहला स्पॉन पॉइंट था। पहला मैप नहीं, पहला कैंप। यस, तो यही थे वो निशान। यहीं से पीछे की तरफ जाकर देखूँगा, होपफुली वहाँ पर कुछ ना कुछ नया मिल जाए। यस, कुछ नए फुटप्रिंट्स मिल चुके हैं यहाँ पे। स्काउट फ्लाइज अभी तक मेरी हेल्प नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। शायद ये मॉन्स्टर से अभी मुलाकात होनी नहीं थी और हो गई किसी तरीके से, तो स्काउट फ्लाइज शायद मेरी हेल्प नहीं करना चाहते उस हिसाब से।
एक और फुटप्रिंट, फुटप्रिंट या तो वो पंजों का प्रिंट, कुछ भी बोल सकते हो। ओल्ड विंड स्वेप्ट कैशेस। अगर मार्क का नाम विंड स्वेप्ट कैशेस है तो मोस्ट प्रोबेबली भवंडर से रिलेटेड कुछ होगा। आई मीन विंड स्वेप्ट का और क्या ही मतलब हो सकता है। ग्रेट जैगराज इधर है, एंजनाद भी इधर है, लेकिन नया मॉन्स्टर इधर नहीं है, तो मैं इस एरिया को कर दूंगा इग्नोर। क्योंकि भले ही क्वेस्ट एंजनाद का हो, नए मॉन्स्टर को मुझे एटलीस्ट एक बार देखना है क्या है क्या नहीं। तो यार मॉन्स्टर यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ इस कैंप पे। जो कि पहला कैंप था, और मैं ढूंढता हूँ यहाँ से जो सबसे टॉप वाला कैंप है, मतलब एंशिएंट फॉरेस्ट के जो सबसे पेड़ के सबसे ऊपर वाला कैंप है। उस कैंप की लोकेशन मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन हाँ शायद ही। और क्योंकि मॉन्स्टर उड़ने वाला मॉन्स्टर था, तो चांसेस है कि एंशिएंट फॉरेस्ट की चोटी पे वो बैठा हुआ होगा। रैथलोस। तो यार इसकी तलाश में तो मैं था नहीं, लेकिन कोई दिक्कत की। ओल्ड विंड स्वेप्ट गैशेस एक और बार दोस्तों। मुझे सिर्फ अभी तक इसके क्लूज मिल रहे हैं, लेकिन मॉन्स्टर नहीं मिल रहा। रैथलोस भी मुझे इग्नोर कर रहा है, और उसने इग्नोर करना, ओके उसने इग्नोर किया, नाइस। जो मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी इस टाइम पे मैं उससे पंगा ले लूं। सिर्फ एक बार और नीचे जाके मैं देखूंगा, अगर मॉन्स्टर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एंजनाथ का क्वेस्ट मैं करूंगा कंप्लीट और निकल लूंगा यहाँ से। तो यार यहाँ से देख सकते हो वहाँ पर जो है एस्टेरा है अपना, दूर वहाँ पे। एक और बार विंड स्वेप्ट गैशेस। इतनी बार अगर मैं पिंक राथियन के क्लूज कलेक्ट कर लेता तो पिंक राथियन का केस ही सॉल्व हो जाता, लेकिन डेवलपर्स का प्लान यहाँ पर कुछ और है, तो मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। और मैंने लिया यहाँ से जंप, और यहाँ पर है कुछ भी नहीं। तो यार हो गया, हटाओ इसको, मैं चलता हूँ अंजनाथ के पास, जल्दी से ये क्वेस्ट करता हूँ कंप्लीट और निकल लेता हूँ अगले क्वेस्ट पे। एंजनाथ सामने है, पहले मैं इसको थोड़ा छेड़ देता हूँ। और मौका दिखते ही इसको मैं वॉल बैंक भी कर दूंगा। तो यार इसके सर की जगह मैं इसको पैरों पे टेंडराइज करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम अटैक में वैसे ही वहां पर ही करने वाला। पहला टेंडराइज, फोर साइड नहीं कर पाया मैं, कोई दिक्कत नहीं। इस मूव से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है, क्योंकि इस मूव में उसके जो हिट बॉक्सेस रहते हैं वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते हैं।
और अजीब तरीके से मेरा मतलब है ऐसे तरीके से जिस तरीके से बिहेव नहीं करने चाहिए। एक और बार मैं कर लेता हूँ इसके पैरों को टेंडराइज। नाइस, कॉम्बो कंप्लीट। नाइस, नीचे गिरते ही स्पिरिट हेल्प ब्रेकर। थोड़ी जल्दी मैंने हिट कर दिया। ओके, तो यार ये तो बिल्कुल ही नया मॉन्स्टर है यहाँ पे, और ये उड़ने वाला तो लग नहीं रहा, और मुझे नहीं लगता ये विंड स्वेप गैसेस जैसा कुछ कर पाएगा। अरे करेले की तरह क्यों दिख रहा है? दिखने में तो दोनों ही टीरेक्स है, लेकिन ये टीरेक्स थोड़ा ज्यादा खूंखार लग रहा है, तो मैं तो इससे पंगे नहीं लेना चाहूंगा। तो मैं यहां से कल्टी मार लेता हूं। अंजनाद पर गिरा दूंगा मैं पत्थर, और फिर मैं करूंगा अपना स्पिरिट गेज फुल। स्पिरिट गेज हो चुका है फुल। एक और बार नीचे गिराया, हेल्म ब्रेकर कंप्लीट। अंजनाद गुस्सा हो चुका है यार। एक और बार फिर से हेल्म ब्रेकर। थोड़ा डिस्टेंस लूंगा मैं इससे, और कोशिश करूंगा अपनी शार्पनेस को वापस मेंटेन करने की। कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा था वो हिट कर जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। नाइस वो साइट। तो यार इस बार ईआई स्पिरिट स्लैश सक्सेसफुल नहीं था, तो इसलिए मेरा जो स्पिरिट मीटर है वो खत्म हो गया। बहुत ही बुरा अटैक। थोड़ा डिस्टेंस लेता हूं। मैप में देख सकते हो अंजनाद के स्केलेटन्स, अंजनाद के मिनी आइकन से उसके ऊपर स्केलेटन का मार्क आ चुका है। बढ़िया फोरसाइट। और इस काट दिया मैंने इसकी पूंछ। थोड़ा मिस, कोई दिक्कत नहीं, इसको जाने देते हैं। इससे पहले मैं इसका कर लेता हूँ पूंछ फार्म, और जैसे ही इसके पास मैं पहुँचूँगा वैसे ही मैं इसको वेकअप हिट तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने लॉन्ग सोर्ड पकड़ रखा है और मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग सोर्ड हिट वेकअप हिट्स के लिए अच्छा है। तो जैसे मैं इसके पास पहुँचता हूँ होपफुली मैं इसको एक वॉल बैंक दे सकूँ, अगर ये ऑलरेडी एग्रो ना हो तो।
लेते हैं अपना स्पिरिट गेज फुल। एक और बार हेल्म ब्रेकर दूंगा। इसके रोर से मैं स्टन हो चुका हूं, लेकिन इसको एक बार अरीना में लेके आता हूं ताकि सही से लड़ सकूं। ये भागने की कोशिश में है, लेकिन लास्ट स्लिंगर एम उसे मारा गया। काफी कम हेल्थ में था ये। खैर यार, हंट बढ़िया था, एटलीस्ट एक नया मॉन्स्टर डिस्कवर किया जो करेले की शेप का था। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक की जगह दो नए मॉन्स्टर डिस्कवर किए, जो कि पहला जो है वो उड़ने वाला था और दूसरा जो ये ग्रीन कलर का जो मॉन्स्टर था, ग्रीन और ब्लैक कलर का। तो यार देखते हैं, एक ही क्वेस्ट में दो नए मॉन्स्टर डिस्कवर किए, बहुत ही अच्छी बात है। एक को भले ही देखा नहीं, लेकिन दूसरे के एटलीस्ट दर्शन हुए, तो चांसेस है कि दो नए क्वेस्ट अनलॉक हो चुके होंगे। फिर चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो मेन क्वेस्ट में हो, तो यार ऑप्शनल क्वेस्ट को अभी के लिए जाने देते हैं। एक बार बात कर लेते हैं कमांडर से। लेकिन यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो, इनके पास कुछ तो भी ब्लू कलर का एक्सक्लेमेशन मार्क है, जो यूजुअली येलो कलर का होना चाहिए। तो एक बार इनसे बात करके देखते हैं। तो जोवियल स्कॉलर कहते हैं, हंटर, क्वाइट अ कोइंसिडेंस दैट यू शो अप एज सून एज यू आर नीडेड। That's quite a handy skill. First, our deepest thanks for guiding us through the wild spire. We haven't had a chance to show our appreciation. Now then, a matter of great importance has come to us scholars and it requires immediate attention. The commander shall be attending as well. Come along now, brave hunter. Time is of the essence. और जिस तरीके से मुझे लगता है ये जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो पक्के से उन दोनों में से किसी एक मॉन्स्टर के लिए होगा। तो कमांडर कहते हैं, I assume you have called this council for some significant news. Yes, commander. We have a startling and rather frightful report for you. Hunter, I assume by now you are aware of nature's food chain and how it works, yes? There are predators and there are prey. It's a natural occurrence in this world. Since the first fleet landed in the New World, not a day goes by where we don't feel the ripple of its effects. But there is one dreadful creature whose sole purpose is to destroy the very foundation of the food chain itself. And that creature has been spotted in the New World for the very first time. Huh? Wait, no. Are you talking about a devil, Joe? Seriously? A devil, Joe? The hell's that thing doing here? There's no mistaking it, Commander. I spotted the tracks with my own eyes. Devil Joe? The World Eater? Darn it. This is bad. Its very presence is as much of a threat to the ecosystem as any Elder Dragon. Maybe even worse. Okay. All right, here's how we're going to do things. I'm putting you three in charge of this investigation. Give it everything you've got. Hunters of the Fifth, get out there and find everything you can about this Devil Joe and report to these three scholars. Mm-hmm. We will need the entire Fifth Fleet to help search for tracks or clues.
Once we have enough information, we can try to pinpoint its whereabouts and maybe even its next destination. Hey. Sorry to butt in, but to add one more thing, we are actually developing a new specialized tool for you, Hunter. And researching this Devil Joe will certainly advance its progress. We'll hand it over as soon as it's ready. Tread carefully out there, Hunter. तो यार काफी बड़ा कटसीन था वो, मेरा गला भी दर्द करने लगा है। तो नेक्स्ट हाई रैंक है 7-star हाई रैंक ऑप्शनल क्वेस्ट जो है डेविल जो का, जो करेले जैसा मॉन्स्टर था। तो उसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेता हूँ कमांडर से स्टोरी क्वेस्ट में, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ना है मुझे। Oh, it's you. I have some good news. I just received word from the ecological research team that they have pinpointed Nergigante's location. Mm-hmm. We have waited a long time for this day to come. Nergigante has been as much a riddle to us as the Elder Crossing itself. For years upon years, we and Nergigante have been eyeing the same prize from the opposite shores. Studying our adversary could throw wide the door to the Elder's Crossing deepest mysteries. Listen up. I want all hunters to begin fieldwork on Nergigante. Sign up for the quest and head for the Elder's Recess. We need to know everything about our target and how it lives. I know you won't let me down. तो यार फाइनली नर्गीगांटे का क्वेस्ट आ चुका है। नर्गीगांटे है ईटर ऑफ द एल्डर्स, जो कि एल्डर्स ड्रैगन्स को खाता है। बहुत ही जो एल्डर ड्रैगन्स को खा सकता है उस मॉन्स्टर से लड़ने का अंजाम या फिर उस मॉन्स्टर से लड़ने की डिफिकल्टी। मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ क्या होता है। अ वूंड एंड अ थर्स्ट। तो इस क्वेस्ट को मैं कर देता हूँ सिलेक्ट। हैंडलर के जितने भी डायलॉग्स हैं वो मैं यूजुअली मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि हैंडलर के पास यूजुअली क्वेस्ट के इंफॉर्मेशन रिलेटेड ज़्यादा डायलॉग्स नहीं रहते, बट यूजुअली कुछ स्वीट टॉक्स ही रहते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट होते नहीं हैं। और ये क्वेस्ट होने वाला है एल्डर्स क्रॉसिंग पे, एल्डर्स क्रॉसिंग नहीं है, क्या कहते हैं, एल्डर्स रीसेस पे। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नाम है इन चीज़ों के। तो यार हमेशा की तरह सबसे पहले मैं कर लूँगा मील। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एडमिरल जो है वो पुराने डायलॉग पे ही अटके हुए हैं। ओ एडमिरल के पास कुछ नए डायलॉग है, ये मैंने नोटिस नहीं किया। तो यहां से शुरू करते हैं। एडमिरल कहते हैं, इट ट्राइड टू टेक ऑन अदर एल्डर ड्रैगन्स एंड फेल्ड देयर टू, सो नाउ इट्स हंग्री एंड मोस्ट लाइकली अ लिटिल bit irritated too. Anyway, you don't need warnings from me, not after all you have been through. So what do you say? Are you ready to do this? Of course you're ready. Time to move. तो यार finally आ चुका है नर्गीगांटे का quest. और जिस हिसाब से नर्गीगांटे का नाम है, quest मुश्किल होने वाला है, कोई doubt ही नहीं है इस चीज पे। और स्काउट फ्लाइज भी इस बार काफ़ी अच्छा साथ दे रही है, ऐसा लग रहा है एक ही बार में नर्गीगांटे के चरणों तक पहुंचाएगी अपने को।
तो यार पेश करता हूं मैं तुम्हें द ईटर ऑफ द एल्डर्स नरगी गांडे। बहुत ही अलग लेवल का हॉरिफिक लुक है इसका। सबसे पहले मैं कर लूंगा सारे पावर अप्स कलेक्ट। पहली सवारी मिल चुकी है मेरे को, इसका अच्छा फायदा उठाऊंगा और कोशिश करूंगा कुछ ऐसे जगह को मैं टेंडराइज कर सकूं जहां पर सबसे ज्यादा बार मैं हिट करने वाला हूं, खासकर इसके आगे के पैरों को या फिर इसके सर को। पहला टेंडराइज, एक और बार, इसको आ चुका है गुस्सा, डॉज, हेडशॉट, नाइस, अच्छा मौका है इसको डैमेज देने का। और क्योंकि मैंने टेंडराइज ऑलरेडी कर रखा है, डैमेज नंबर्स भी काफी अच्छे आने वाले हैं। नाइस डॉज, और बांकर बिल्ले ने बहुत सही टाइम पे इसको कर दिया है पैरालाइज। और इसका पैरालाइज होने का एनिमेशन भी बहुत मजेदार है, सर ही की जगह पर है इसका। अरे बाप रे यार, उस डैमेज का साइज देखो, इसकी पूंछ से मैं थोड़ी हेल्थ स्टील कर सकता हूं। एक और बार, नाइस शॉट, पावर अप्स मेरे खत्म हो चुके हैं। किनसेट को कर लिया मैंने चार्ज, नाइस डॉज, एक बार फिर, अरे नहीं मुझे लगा था मैं कर लूंगा उसी विंडो पे। कोशिश करूंगा एक बार फिर से इसके ऊपर सवार होने की, बहुत ही छोटे विंडो पे डॉज किया मैंने और एक बार फिर से मैं हो चुका हूं इसके ऊपर सवार। और इस बार मैं डैमेज दूंगा इसकी पूंछ पे, कि भले ही कुछ कटे ना कटे इसकी पूंछ कटनी चाहिए। इसका स्टैमिना बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को, क्योंकि क्योंकि राइडिंग का जो एंडिंग एनिमेशन होता है वो यूजुअली स्टैमिना डिपेंडेंट रहता है, और इसका राइडिंग का जो एंडिंग एनिमेशन था वो खत्म होने में बहुत टाइम लगा। तो यार वेपन हो चुका है शार्प, चल लेते हैं फिर इसके पीछे। और क्योंकि ये यहां पर खड़ा है मैं गिली मेंटल इक्विप कर लूंगा ताकि थोड़ा सा स्टेल्थ मोड पे आ जाऊं मैं, और एकदम इसके नीचे जाऊंगा और ये पत्थर में गिरा दूंगा इसके ऊपर। नाइस, और मैं अटैक करूंगा इसकी पूंछ को क्योंकि मुझे काटना है इसका पूंछ। ये क्या कर रहा है, बाप रे बहुत ही बुरा मूव था वो जिस हिसाब से उसने मारा। अगर मैं, लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया उसको, हर बार एक ना एक नया मूव लेकर आ रहा है और मैं चांस नहीं लेना चाहता इससे हिट लेने का एक भी।
कोशिश करूंगा थोड़ा संभल संभल के खेलने की। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ ना कुछ नया लाने वाला है? शायद नहीं, क्योंकि मेरे लिए अच्छी बात है। वो देखा तुमने उसने क्या किया? जैसे ही उसने लैंड किया, उसने अपने हाथों के जो कांटे हैं उसको डिसमेंटल कर दिया और मेरे बिल्ली की तरफ फेंका। नाइस, एक और स्टन। यही मौका लूंगा मैं, इसके पूंछ में मैं अटैक करूंगा और पूंछ कट चुकी है। बढ़िया शॉट था वो, बढ़िया कॉम्बो था। और नर्गस गाइगेंटस हो चुका है कमजोर। नाइस, पूंछ को लूट लूंगा मैं। पूंछ से मिला है मेरे को नर्गी कांटे जेम। और जिस हिसाब से अपने हंटर का एनिमेशन लग रहा था, उस हिसाब से लगता है नर्गी कांटे जेम बहुत ही रेयर आइटम है। तो यार वेपन को कर लेता हूँ शार्पन। इंसेक्ट को कर लूंगा मैं पावर अप। अरे बाप रे, बहुत ही फाउल अटैक था वो, येलो कार्ड वाला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं इसके सर तक ग्रैब नहीं कर पा रहा हूं। थोड़ा वेट करते हैं नरगी घंटे के सो जाने का, उसके बाद इसको वेक अप हिट देंगे। और वेक अप हिट मिलते ही कोशिश करूंगा कि इसको एक वॉल बैंक दे सकूं। वेकअप हिट देना मुश्किल नहीं लग तो नहीं रहा, कोशिश करता हूं। वेकअप हिट ने ज्यादा डैमेज किया नहीं वैसे, लेकिन वॉल बैंक जरूर ज्यादा डैमेज करेगा। नाइस वन। डॉज रोल भी मैं कर नहीं पाया उस रोर को। उसको लगता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका है और कुछ ज्यादा ही सिनेमैटिक तरीके से अभी ये लड़ाई करने वाला है। एक और सवारी, बहुत अच्छे। हिट्स इसको पूरी तरीके से डैमेज दे नहीं रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक बार फिर से टेंडराइज करना पड़ेगा। गलत जगह पर ग्रैब कर लिया मैंने, खैर कोई दिक्कत नहीं। नाइस डॉज, हिट नहीं गया। वो डाइव बॉम्ब मारने वाला है मेरे को फिर से, तो मैं भी डाइव डॉज कर लूंगा। थैंक्स बिल्ले। और नरगी घाटे हो चुका है खत्म। तो यार बिल्ले ने आज बहुत हेल्प करी,
दो बार उसने बेसिकली मॉन्स्टर को पैरालाइज किया। और अगर सच बात बताऊं, अगर इंसेक्ट ग्लेव में यूज नहीं कर रहा होता तो चांसेस थे कि मैं नर्गिंग आटे से सही से लड़ नहीं पाता, क्योंकि जिस तरीके से उसके मूवमेंट्स थे, जिस तरीके से उसके एरियल मूव्स थे, उसको काउंटर करना या फिर उसको रीड करना या फिर उसको सही से डॉज करना, अगर मैं ग्रेट स्वॉर्ड या तो लॉन्ग स्वॉर्ड लेके खेलता तो बहुत मुश्किल पड़ जाता मेरे लिए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है इंसेक्ट ग्लेव जो है वो नर्गिंग आटे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मैचअप हो सकता है। Still with us. So we have elder dragons eating other elder dragons. Wonderful. That clears some things up. Yeah. We weren't looking at the big picture. Until we came to the new world, how could we know? Nergigante came here looking for a feast. And he made a real mess of the local ecosystem in the process. There is good. Now that the problem child's been put to bed, the other elder dragon should revert to their usual behavior. You did good. So, you ready to go? What's wrong? No, there's a piece of the puzzle missing. How did this area end up becoming such a hotbed of energy in the first place? Enough energy to lure in a menace like that and convince it to switch habitats doesn't just naturally happen. तो अगर सवाल यह है कि वो एरिया इतना बड़ा एनर्जी का ढांचा जोरा मैकडोरस से पहले कैसे बना, तो एक ही आंसर हो सकता है कि इनसे पहले कोई और बड़ा ड्रैगन यहाँ पर आके मरा होगा, जो मेरी थ्योरी है, मैं गलत हो सकता हूँ। तो यार नरकी गांटे से भी वाइट लूट मिला है मुझे और होपफुली मैं इससे एक अपग्रेड बढ़ा सकूं। Alright, gather round. Let's get council underway. लेकिन इससे पहले एक कटसीन देख लेते हैं। As you all know, when Nergigante descended into the Elder's Recess, it stirred up a veritable hornet's nest. Being that Nergigante feeds on elder dragons, you can imagine that every monster in the recess got spooked. Initially, I thought we could nip this problem in the bud by eliminating Nergigante. But unfortunately, that's not the case. Despite our best efforts, the situation has escalated. Elder dragons fleeing Nergigante's wrath have started invading other areas. Now we're coming across elder dragon tracks left and right. In the forest, among the wild spire, even in the Rotten Vale. तो basically वो जो blue tracks हम लोग पहले collect कर रहे थे, वो elder dragon के tracks थे, जितने भी अपने को वाइल्ड स्पायर पे मिले थे या फिर जितने भी अपने को एंशिएंट फॉरेस्ट में मिले थे। Our team has managed to attribute the tracks to three distinct elder dragons so far. Emphasis on so far. Many of you have crossed paths with elder dragons in the old world. You know the consequences of their cataclysmic power and you know what dangerous adversaries they make. But no matter the danger, we have to seize upon this opportunity. We'd be fools not to. Finally! Thought you'd never ask. Yeah, all right. First things first. I want our field team to start gathering evidence. We need to track down these beasts and pinpoint their exact locations. So I've decided to split you into three groups. Field team leader, you'll be heading up the ancient forest investigation.
And the Wildspire Waste, that one's yours. As for the Rotten Vale, we'll be needing the Third Fleet's help with that one. I'll leave it up to these delegates to decide how to use the field team. Lastly, don't forget to relay your findings to the Ecological Research Team once you've gathered enough evidence. Everyone clear? All right. Dismissed! Now you're talking. Admiral kehta hai, well, this keeps getting more interesting. I like nothing more than to help you out, but I've got somewhere I need to be. An old friend told me he's trying to track down a place brimming with energy. There's been a surge in the veins of the earth. He's planning to go and investigate alone. Can't have that. Well, there it is. Now, don't go blabbing about this to anyone else. My old friend would never forgive me if I let this feline out of the bag. The veins of the earth are like blood vessels that pump energy underground. They reach all the way across the new world. The Everstream too is a part of this system. I suspect the reason the Elder Dragons are still steering despite Nergigante's disappearance is somehow related to this. Of course I can't be sure, but I have a gut feeling. Call it Admiral's instinct. See ya. Anyway, good luck with things on your end. I'll let you know what we find out. Oh shoot, almost forgot. My friend also had a message for you too. I'll be waiting in the place beyond where all things converge. Well, his words, not mine. तो यार अभी एल्डर ड्रैगन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। If the Elder Dragons aren't showing any signs of settling down, then we'll have to look into it. We're on the hunt. इससे पहले चल लेते एक बार स्मिथी के पास और देखते हैं अपने पास कुछ नया वेपन अपग्रेड्स है कि नहीं। Smithy, please tell me there is upgraded weapons. Or yes, Nergigante से Nergigante weapons upgrade कर सकते हैं. Immortal Dragon Scale. तो सबसे पहले मैं करूँगा Insect Glaive को ही upgrade, क्योंकि इसी से मैंने Nergigante को सबसे पहले ख़त्म किया था. तो अगर फिर से उससे लड़ना पड़े तो यही best weapon रहेगा. उसके बाद आएगा ग्रेट स्वॉर्ड. अब क्योंकि मेरे पास चार इमॉर्टल स्केल्स है तो चारों वेपन्स को ही मैं कर देता हूं अपग्रेड. इक्विप नाउ आप नो और चार्ज प्लेट. नाइस. एक बार वेपन्स में भी आर्मर में भी मैं चेक कर लेता हूँ. तो Nergigante के आर्मर भी अनलॉक हो चुके हैं. एक बार देख लेते हैं कि इसके स्किल सेट्स क्या है. पहला है Nergigante's Hunger. Regenerates your health as you continually attack monster. अच्छा, तो मतलब यार देख सकते हो एक लाइफ स्टील की तरह है Nergigante का जो पैसिव एबिलिटी है. तो Nergigante के तीन पीसेस. ओके, ओके, तो मैं इसका मतलब तो मैं अच्छे से समझाता हूं. तो देख सकते हो यहां पर हेस्ट एंड रिकवरी और नीचे लिखा है 3. इसका मतलब है Nergigante के आर्मर के कोई भी तीन पीसेस अगर तुम पहन लो तो इसका मतलब तुम्हारी रिकवरी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी. और रिकवरी किससे होएगा कि तुम जितनी बार मॉन्स्टर को अपने वेपन से हिट करो उतनी बार और उतना ही ज़्यादा तुम हेल्थ अपना रिकवर कर सकते हो. तो यार अब तो बनता ही है Nergigante का आर्मर क्राफ्ट करने के लिए. प्लस इसका जो डिफेंस भी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें स्लॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा है और अपने पास मटीरियल्स नहीं है इसके लिए. और इसमें जो पैसिव स्किल्स है वो है मैक्सिमम माइट, स्टैमिना सर्ज जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजिटेटर, अटैक बूस्ट और मैक्सिमम माइट का एक लेवल. तो ये
और ये मिला के हो जाते हैं मैक्सिमम माइट के 3 लेवल्स, ठीक है। और अगर मैं ज्वेल्स वगैरह देख लूँ सेट डेकोरेशंस में जा करके, तो और 4-5 ज्वेल्स मुझे मिल चुके हैं। तो यार अभी अपना सबसे ज़्यादा बड़ा प्रायोरिटी है नर्गी घाटे को तब तक हंट करना जब तक उसका पूरा आर्मर सेट बन नहीं जाता। लेकिन यार उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा एक और एपिसोड का वेट, क्योंकि आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें एपिसोड पसंद आया हो। समझ आता है आज का एपिसोड थोड़ा छोटा था, लेकिन कभी कभी खुद की ज़रूरतें भी मुझे देखनी पड़ती है। तो यार उम्मीद करता हूँ तुम्हें एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ आज का एपिसोड कैसा लगा, और कमेंट में ये भी बताओ कि तुम आगे बढ़ के ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना चाहोगे या ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। तो वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहीं पर। अलविदा।